ऑपरेशन हुआ था और मैं यहीं एक कुर्सी पे, प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठा था। मदन लाल खुराना जी चीफ मिनिस्टर थे और मैंने उन्हीं की दी हुई धनराशि से, वो मुझे बहुत प्यार करते थे उस वक्त, मदन लाल खुराना जी, साहिब सिंह वर्मा जी, तो छोटे छोटे लिफाफे दिया करते थे मुझे। तो मैं पीपल और नीम के पौधे लगा रहा था दिल्ली में, तो उन्हीं के कहने पे मैंने 42 नीम के पौधे जो आज आप देख रहे हैं ये सब मेरे हाथ के लगे हुए हैं। पार्किंग में अगर आप कार पार्किंग जो बन गई है वहाँ 28 नीम के पौधे हैं, वो 28 के 28 मेरे हाथ के लगे हैं। बाकी अशोक और ये बाकी जितनी स्पीसीज लगी हैं ये PWD ने दिल्ली टूरिज्म में लगाई है, ये इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, लेकिन जो नीम लगा है वो मदन लाल खुराना जी के कहने से हमने लगा है। सोपती जी उस वक्त PRO थे दिल्ली टूरिज्म के, तो वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, सोपती जी उनका नाम था, मुझे बस इतना याद है। आपको खैर, सो ये बड़ी पुरानी और लंबी यात्रा रही है, और जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है, मेरा काफ़ी, चाहे वो बनारस के लोग हों, लखनऊ के घराने हों, बनारस के घराने हों, तो मेरे बहुत सारे मित्र और प्रेमी जो हैं वो म्यूज़िक से कनेक्टेड रहे हैं। मेरी मदर खुद जलंधर ऑल इंडिया रेडियो में सिंगर रही हैं, और मैं खुद उस वक्त मैं 10वीं में पढ़ता था तो गुरदास मान जी का पहला अपीयरेंस था जलंधर रेडियो में, और दूरदर्शन में एक छिलमिल तारे करके होते थे और एक ईश्वर करके एक मैडम थी, वो डायरेक्टर थी उस वक्त, तो उस दिन उनका ढोलकी वाला नहीं आया था। तो दिल दा मामला जो गाना है उस पर जो ढोलकी बजी है, अगर आप ध्यान से देखें तो ब्लैक एंड वाइट जमाना था, तो पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा है ढोलकी और छल्ला डाल के, वो मैं था। तो लेकिन अभी जो है, अब हम थोड़ा म्यूज़िक से, क्योंकि यू हैव टू चूज़ योर ओन बैटल्स, जो आप बहुत सारी चीज़ें लाइफ में कुछ करेंगे तो नानी कहती थी तो बेटा फिर कर नहीं पाओगे, है ना, या तो तुम संगीत में जाओ या तुम अपना करियर बनाओ। फादर आर्मी में थे, डॉक्टर थे, तो वो चाहते थे हम या तो फौजी बने, फौजी का बच्चा हूँ तो या तो आर्मी में जाओ या डॉक्टर बनो, लेकिन नानी जो थी वो हमेशा एक चीज़ कहती थी कि वो काम करो जो कोई नहीं कर रहा, जो भीड़ कर रही है उसके पीछे मत जाओ, और वो उनका बस यही संदेश था। और वृक्षों में भी उन्होंने एक ही बात कही कि वो वाले पेड़ लगाओ जिससे छाया आती है और जिससे फ्रूट्स आते हैं, जिसमें पक्षियों को हेल्प मिलती है। तो 26 जनवरी 1977 को हमने ये मतलब स्टार्ट किया, हॉबी थी, आज भी मेरी हॉबी है। लोग सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि पहली बात तो जब फील्ड पे आप काम करते हैं आपके पास समय ही नहीं होता थ्योरी में जाने की, है ना। तो आप बस संक्षेप में ये कहूँगा कि अभी 4 लाख लोग हैं हमारे साथ पूरे भारतवर्ष में, केरला को छोड़ के हमने पूरे भारतवर्ष में काम किया है। 226 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी के अभी इसी वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारा काम चल रहा है। 20,000 फैमिलीज जुड़ी हैं जो वीकेंड्स पे आती हैं, होली की छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी है, इस तरह का रक्षाबंधन की छुट्टी है। कल ही हमारे 40 से 50 प्लांटेशन बड़े बड़े हैं। आर्मी के साथ हमने बहुत काम किया है, नॉर्दर्न कमांड में काम किया है, सदर्न कमांड में किया है, वेस्टर्न में किया है, राजस्थान में हमने बहुत काम किया है, मध्य प्रदेश यूपी में बहुत काम किया है। काम क्या किया है, पक्षियों के लिए घर बनाए, बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज। नानी गोद में बिठा के, मैं चंडीगढ़ की पैदाइश है मेरी, तो सुखना लेक है वहाँ, आप लोग ने देखी होगी, तो वहाँ एक बड़ा पुराना 150 साल पुराना एक पीपल का वृक्ष है, तो उसके नीचे बिठा के गोदी में मुझे कहानियाँ सुनाती थी पीपल महाराज की। तो वो कहा करती थी कि सिवाय पक्षियों के पीपल को कोई लगाता नहीं, पीपल, बर्ड, गूलर और तिलखन। तिलखन अब एवेन्यू ट्री बन गया, अब हॉर्टिकल्चर वाले लगाते हैं, लेकिन उस जमाने में कोई नहीं था। तो एक काम कर, तो फाइकस के पौधे लगा, तो पीपल के पौधे लगा। जब हमने लगाने शुरू किए तो बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन आई, क्यों, क्योंकि लोगों को लगता था पीपल पे भूत रहते हैं, यक्ष हैं, इसमें आत्माएं रहती हैं, इसमें चुड़ैल बसती है। तो इमली का पौधा नहीं लगाने देते थे मुझे और पीपल नहीं लगाने। तो नानी ने कहा क्योंकि लोग नहीं लगाने देते बेटा, अब
तो सारी जिंदगी यही बताएगा। 24 सितंबर 2010 को हमारा नया विश्व रिकॉर्ड बना। 1,27,00,000 जीवित पीपल के वृक्ष खड़े थे। जॉन अब्राहम साहब और माइक पांडे साहब ने उस अवार्ड सेरेमनी में थे। आई गॉट माई फर्स्ट इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड। और उस दिन के बाद फिर हम लोगों ने क्लस्टर प्लांटेशन शुरू की। क्लस्टर क्या होता है? गुच्छों में लगाना, यानी कि आप छोटे छोटे माइक्रो फॉरेस्ट लगाते हैं। तो गवर्नमेंट ने हमको रेवेन्यू लैंड, पंचायती लैंड, डिफेंस की लैंड, जल निगम की लैंड, PSUs की लैंड, जो ग्रीन बेल्ट्स की लैंड हमें देनी शुरू करी। उन्होंने कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं दी, लेकिन सपोर्ट बहुत किया कि ये बेटा आपकी लैंड है, 10 साल के लिए हम आपको दे रहे हैं, अब इस पर वो क्रिएट करके दो जिस चीज़ के लिए तुम निकले हो। तो हम लोगों ने बनाया है आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आप दिल्ली NCR में हैं। आप आइए, सेक्टर 115 में सुरखा उपवन है। HCL फाउंडेशन की मदद से हमने सपोर्ट से बनाया है। वहाँ 80,000 पौधे हैं, बायोडाइवर्सिटी पूरी है, तितली, बीज, बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड, जो जो आपको कहीं और नहीं नज़र आएगी वो वहाँ नज़र आएगी। एक सिटी फॉरेस्ट सेक्टर 150 में बना है, हिंडन के किनारे 40 acres में है, वहाँ पर बर्ड हैबिटेट्स हैं, बहुत काम है। 2,70,000 hectares में लोगों ने बनाया है, सिटीजन्स ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। मैं तो अपना काम करता रहता हूँ, लोग कारवां जुड़ता रहता है, आप चलते रहते हैं आगे। तो हमारी एक फाउंडेशन है गिवी ट्रीज ट्रस्ट, और ये जो है 4,00,000 लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करती है। हमारा एक सेंट्रल ऑफिस है गाज़ियाबाद मोहन नगर में। हमारे 312 फुल्ली पेड एम्प्लॉयज़ हैं जो पूरे को पूरी सुपरवाइज करते हैं। PhDs हैं, MScs हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी जो रिटायर हो गए थे उनको भी हमने रख लिया। सो व्हाट आर वी डूइंग बेसिकली? और वी आर बेसिकली ट्राइंग टू, जो लैंड एनक्रोच हो जाते, झुकी झोपड़ी बन जाती, स्लम एरियाज बन जाते, पार्किंग लॉट्स बन जाते, उन लैंड को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पक्षी, बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज के लिए हैबिटेट बन सके। हम अपना हैबिटेट तो बना लेते हैं, लेकिन हम उनका हैबिटेट नहीं बनाते जो हमें जीवन दे रहे हैं। हम अपनी लाइवलीहुड के लिए बिल्डिंग्स बना देते हैं, लेकिन जो जिंदगी दे रहा है आपको, जो लाइफ दे रहा है आपको, जो ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन से बात, एक बात कहूँ, यहाँ मैं समाप्त करूँगा क्योंकि मैं भी इस शाम को एंजॉय करना चाहता हूँ। हमारे गुरुजी, मैं बहुत साल ओशो के साथ काम किया, हम उनकी लाइब्रेरी में काम करते थे, उनका हॉर्टिकल्चर, उनका गार्डनिंग वगैरह देखते थे, इसीलिए मेरा नाम स्वामी प्रेम परिवर्तन है। लीगली आई एम स्वामी प्रेम परिवर्तन, लेकिन पॉपुलरली एज पेगल बाबा। वो एक बात कहते थे कि यू नो, जैसे मुझे जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की तो मेरे को बहुत सारी जॉब ऑफर्स थी। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, 5 times गोल्ड मेडलिस्ट, 3 times फ्रॉम अलाहाबाद यूनिवर्सिटी, 2 times फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। शेक्सपीरियन स्टडीज में मेरी स्पेशलाइजेशन थी। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, मैंने कहा बेटा एक चीज़ याद रखना, पीपल ने तुमको, पेड़ों ने तुमको चुना है अपने काम के लिए। कितनों को चुना जाता है, और तू इसको छोड़ के प्रोफेसरी करेगा? मत कर ऐसे। 20 साल हो गए हैं, उस वक्त हम 70,00,000 पेड़ लगा चुके थे। तो पत्ता ही परमात्मा है। कोई मंदिर की, कोई मस्जिद की, कोई गुरुद्वारे या गिरजाघर की दीवार ऑक्सीजन नहीं देती। क्लोरोफिल इज गॉड, बस ये समझने की बात है, क्लोरोफिल इज गॉड। और जैसे ही हम ये बात समझे कि यस क्लोरोफिल इज गॉड, क्लोरोफिल के कारण फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के कारण ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कारण आज मैं बैठ के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। आखिरी में एक बात कहूँगा, हमारी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। हम सिर्फ 25,000 दिन के लिए इस पृथ्वी पे आते हैं। 75 ईयर्स की अगर आप एवरेज लगा दो, 70-75 मल्टीप्लाइड बाई 365। हम सालों की बात करते हैं तो हमें लगता हो बहुत साल है, लेकिन आप दिनों में गिनिए उसको। 15,000 दिन आपके पहले 25 साल तक सर आपका अपना करियर ही बनाते रह जाते, पढ़ाई करते रह जाते, है ना? बाकी बचे कितने? फिर बाकी खाने में भी आएंगे, रिफ्रेशमेंट में भी जाएंगे, वॉशरूम भी जाएंगे, कम्यूटिंग भी करेंगे, मेट्रो में भी टाइम लगेगा, गाड़ी और स्कूटर चलाने में भी टाइम लगेगा, बच्चों के साथ भी टाइम होगा, बीवी के साथ भी टाइम होगा, बेडरूम में भी आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, किचन में भी आप जाएंगे, आपके पास है ही कितना? 3 से 4 हज़ार दिन।
कभी कैलकुलेट, कभी ये गणित करके देखेगा। हमको 10 साल की उम्र में नानी ने ये गणित जो है गोद में बैठ के सिखा दिया था। और जब ये चीज समझ आई कि इतना थोड़ा समय और परमात्मा ने, और यहां मैं अंत करूंगा इस चीज का, एक चीज याद रखिए, परमात्मा ने आपको बहुत प्यारी पृथ्वी दी है। 400 मिलियन ईयर्स लगे उनको तराशने के लिए, उन्होंने पहाड़ बनाए, रेगिस्तान बनाए, नदियां बनाई आपके लिए, उन्होंने जंगल बनाया, अंटार्कटिका बनाया, साइबेरिया बनाया, अमेजोन बनाया, उन्होंने ग्रासलैंड्स बनाए, उन्होंने अफ्रीका बनाया, उन्होंने सब कुछ बना के दिया। और उन्होंने कहा जा बेटा 70-80 साल के लिए जी ले अपनी जिंदगी। उन्होंने सब कुछ बना के दिया। एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है विच इज एट वर्क फॉर 400 मिलियन ईयर्स। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हमने पिछले 200 साल के अंदर हमने वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस से सारी की सारी चीज़ें, मैं कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोलूँगा, इसलिए मैं बर्बाद वर्ड नहीं बोलूँगा, आई एम वेरी पॉजिटिव, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद है कि आप जैसे प्यारे प्यारे लोग और स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं और जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, मेरे पास जितने भी वॉलंटियर्स इस वक्त आ रहे हैं वो IITs हैं, IIMs हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हैं, पढ़े लिखे लोग पिछले, और स्पेशली कोविड महाराज की जय, कोविड ने इतना बढ़िया काम कर दिया कि लोगों को पिंच कर दिया। उससे पहले हमें कुछ पूछता ही नहीं था, उससे पहले अरे लगा रहे हैं, पेड़ लगाने हेडेक होते हैं, माली हैं, कुछ हैं जो भी। लेकिन अब जो है सरकारें भी, गवर्नमेंट्स भी, और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ रहे हैं कि नहीं, प्रकृति ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रकृति। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन है ऑडियंस में तो क्विकली कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं तब तक आप क्वेश्चन सोचें और पूछें, मैं ये बताना चाहूँगी कि गार्डन ऑफ 5 सेंसेस हम लोग गए थे, विच इज़ अ वेरी 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 अमेजिंग प्लेस ऑफ दिल्ली टूरिज्म। बहुत ही खूबसूरत जगह है और वहाँ पर वो लोग बहुत सारी एक्टिविटीज स्टार्ट कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी भी, वेलबींग भी, तो मोहित जी बहुत सारे चीज़ें और एक्टिविटीज़ हम लोग 7 सितंबर से शायद स्टार्ट कर रहे हैं। सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन दीज एक्टिविटीज़, वी हैव अ लीफलेट, प्लीज टेक दोज लीफलेट्स इन द स्पेस ऑफ वेलबींग, इन द स्पेस ऑफ हीलिंग, इन द स्पेस ऑफ प्लांटेशन, नेचर कनेक्शन। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल इनिशिएटिव, आई विल से इनिशिएटिव जो कि मूवमेंट बनने वाला है, और यही मूवमेंट चाहिए हर जना जब सोचेगा। तो एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव, किसी का कोई क्वेश्चन है जी? एक चीज आपको कहूंगा, हर इंसान जाके जंगल में बैठ नहीं पा सकता, हर इंसान जाके तालाब नहीं पहुंच सकता, हर इंसान जाके हाथी और टाइगर के साथ काम नहीं कर सकता, लेकिन हर इंसान के पास एक घर, उसके पास बैलकनी, उसके पास रूफटॉप, अगर वो नहीं है तो आंगन, आंगन नहीं है तो छोटी सी जगह, नहीं है तो सीढ़ी का जीना, तो सराउंड योरसेल्फ विद प्लांट्स, और प्लांट्स जो हैं वो 400 मिलियन ईयर्स की टेक्नोलॉजी है परमात्मा की, जहाँ हरियाली वहाँ सुशाल। Thank you.
संगीत केवल पंक्तियों में नहीं होता, वो प्रकृति में है। और जब तक आप ट्रैवल नहीं करेंगे तब तक आप उस संगीत को आनंद नहीं। सो आई थिंक ट्रैवलिंग इज एन एजुकेशन और सारी जिंदगी एक मोहल्ले और एक शहर में बात करती है। प्लीज आप नहीं कर पाए तो एक पीपल बाबा है, यदि हम चाहें तो हम लोग एक, क्या हम ग्रुप पिक्चर एक ले सकते हैं, जो लोग आ सकते हैं एक एक शेड्यूल के साथ, इज दैट पॉसिबल? आप पहले सर, आप नहीं, लोग ज्यादा, लोग आपके लिए भी सर, लोगों के लिए नहीं है। सो पीपल बाबा इज देयर, व्होएवर वांट्स टू गेट अ पिक्चर डन प्लीज। आप बहुत आराम से, मैं कल भी आऊंगा। आप सुन के आए हैं, वो बोल रही है करने वाले हैं।